नमस्कार, रागा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर एक राग में मिनिमम सेट ऑफ तान्स कौन सी आपको तैयार करनी चाहिए, जिससे कि आपके पास हमेशा तानों का स्टॉक बना रहे और आप आराम से ताने ले सकें। इसी सिलसिले में हम आज आपको राग पटदीप में वो मिनिमम सेट ऑफ तान्स कैसे लेंगे, कौन कौन सी ताने लेंगे हम, उसके बारे में बताएंगे। और बस आप इन्हीं तानों को उपयोग में लाइए, उसके बाद में फिर इससे जनरेट होने वाली बहुत सारी ताने हैं जो हम आगे यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम आपको उसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। तो वो मिनिमम सेट ऑफ तान्स जो हैं वो बेसिकली क्या है कि हमने कुछ आलंकारिक ताने, समझ लीजिए 10-15 आलंकारिक ताने जो हैं, चार या इवन तीन या पांच सुरों की एक एक अलंकार, उसको लेके हम पैटर्न बनाते हैं और उसको नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे उसी पैटर्न में नीचे आते हैं, तो वो एक अलंकारिक पैटर्न बन जाता है। ऐसे ही हम सरल तान लेते हैं हर सुर से, ऐसे ही तो उसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर पंचम ऊपर तक जाके फिर खत्म नीचे आते हैं। ऐसे ही हम पलटा बोलते हैं जिसको कि ऊपर से नीचे आने वाली बात है, जो कि अपोजिट है सरल तान का। तो हम जैसे सा से ऊपर के सा से शुरू करेंगे और नीचे खर्च तक जितने नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो वो सपाट तान के फॉर्मेट में ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, जबकि सरल तान में नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ऐसा करके हम सरल तान और पलटे, ऐसा करके दो इनको बताते हैं। आप अलंकारों को लोग पलटे भी बोलते हैं, हम लोग उसको अलंकार ही बोलते हैं। तो ऐसा करके हमने आपको ये कोशिश करेंगे कि आपको ये ताने, तो ये आपको इस राग में आनी चाहिए। इसके बाद में फिर हम कैसे दूसरी ताने बना सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अब चूँकि राग पटदीप में हमको बनाना है, तो राग पटदीप का थोड़ा सा एक हम एक माहौल तैयार करें। बहुत सुंदर राग है, दोपहर का राग है ये, तो इसमें जैसे कि आपको मालूम है हमने जो सुर लिया है पहला काला है सी शार्प, और राग पटदीप जो है औड़व संपूर्ण जाति का बहुत सुंदर राग है। निषाद शुद्ध पे ही इसका पूरा फोकस रहता है राग का, और रे और ध वर्ज हैं आरों में, औड़व संपूर्ण है, औड़ों में सातों सुर लगते हैं और कोई इसमें वक्रता नहीं है, और हम किसी भी पूरे तीनों सप्तकों में आराम से इसको गा सकते हैं। हमने तानपुरे को पहले काल में मिलाया है, थोड़ा सा एक राग अपने पटली का माहौल बनाते हैं, थोड़ा सा एक वातावरण तैयार करेंगे, उसके बाद में फिर हम मिनिमम सेटअप तान लेंगे। वो हम एक ताल द्रुत की बंदिश में लेंगे, एक ताल द्रुत की बंदिश जो कि मेरे गुरुजी आचार्य तनरंग जी की बनाई हुई है, रसीली बतियाँ ना करो, मतलब बीच में ऐसे उसका मुखड़ा शुरू होता है और बहुत सुंदर बंदिश है। इस बंदिश के सहारे इस राग में हम वो सब सेट ऑफ तान्स लेके दिखाएंगे।
ध्यान रहे कि निषाद कोमल और निषाद शुद्ध में ही फ़र्क है इस राग का और भीमपलासी में। यदि निषाद कोमल कर दिया तो राग भीमपलासी जैसा हो जाता है। हालांकि इसमें पंचम इसमें प्रबल है, उसमें मध्यम प्रबल होता है। अभी हम राग पटदीप पे हैं तो इन शुद्ध निषाद करते हैं। अभी हमने आपको जो मिनिमम सेट ऑफ डांस में अलंकारिक पैटर्न्स के बारे में पहले बात करें। अलंकारिक पैटर्न्स हमें क्या है, चार सुनों का कोई पैटर्न ले, मान लीजिए 1-2-1-1, तो वो राग पटदीप में लेना है। मतलब आपको आरोह अवरोह का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर आरोह में रे और थ वर्ज है और अवरोह में संपूर्ण है, उस हिसाब से आपकी ताने 1-2-1-1 कैसे बनेगी वो आपको बता दो पहले। अब सा रे सा सा ऐसा करके वो पहला वाला पार्ट बनेगा। सागर सासा बन सकता है, पर हम सारे सासा भी वैलिड है तो हम सारे सासा लेंगे। तो सारे सासा ग म ग ग म प म म प ग प प नि सा नि नि सारे सासा ग म ग ग सारे सासा नि सा नि नि प र प प म प म म ग म ग ग सारे सासा, ऐसा करके 1-2-1-1 बनता है। आपको यह हर एक तान को आपको रियाज करते हुए तो करना है, तो आप इसको सरगम में लेके घुट दीजिए। जब तक वो परफेक्ट नहीं आएगी तब तक आप सरगम में लेते रहिए, और जब फिर वो हो जाएगी तब आप आकार में लेने की कोशिश करें, जिससे कि आपको दोनों सरगम में और आकार में इसको लेने की आदत हो। प्रत्येक तान जितनी आप ईमानदारी से अपने ऊपर काम करेंगे इन सब तानों के ऊपर, आपका राग उतना आपकी मुट्ठी में आएगा, आपको उसमें गाने में उतनी सुविधा होगी। इसलिए इट्स बेटर कि यू शुड प्रैक्टिस विथ ऑनेस्टी टू योरसेल्फ। जितना आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे उतना आपके लिए फायदे का होगा। तो 1-2-1-1 ही बताया आपको। हम लेते हैं 1-2-2-1 मान लीजिए। तो सा रे रे सा ग म म ग म प प म प ध ध प नि सा रे रे सा ग म म ग सा रे रे सा नि सा नि प र ध प म प प म ग म म ग सा रे रे सा। अब इसमें हम क्या करें, कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रत्येक अलग अलग अलंकारों की ताने आपको ऐसे बता दें जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है। 1-2-3-2 जैसे लेते हैं, बहुत कॉमन वाली तान है। सा ग म ग ग म प म म प ध प प नि सा नि नि सा रे सा सा ग म ग नि सा रे ग प नि सा नि म प ध प ग म प म सा ग म ग नि सा रे सा। ये हमने 1-2-1-2-3-2 लिया, इसी का उल्टा लेते हैं। म ग सा ग 2-3-1-3-2-1-2 म ग सा ग प म ग म ध प म प सा नि प नि रे सा नि सा म ग सा ग ग रे सा नि सा सा नि प नि
अवरोह में चूंकि रे और ध लगते हैं इसलिए उस हिसाब से आपको अवरोह में ये पैटर्न ऐड करने पड़ेंगे। इसको भी आपको सरगम में फिर आकार में फिर अब और कोई अलंकार ले लें आप। 1 2 3 2 लिया अभी, 1 2 3 2 का उल्टा लिया, 3 2 1 2 ऐसे ही 1 2 1 2 1 3 सा ग सा म ग म ग प सा ग सा म ग म ग प म प म ध प ध प नि प नि प सा नि सा नि रे सा ग सा रे सा ग सा ग सा म ग म ग प सा ग सा म नि सा नि रे प नि प सा म प म नि प ध प म प प ध प नि नि प ध प नि म प म ध ग म ग प सा ग सा म सा ग सा रे नि सा नि रे प नि प सा। ऐसा करके आपको उसका ध्यान रखना है। अभी हम 4 के बजाय 5 सुर वाले लेते हैं। म ग सा ग प म ग म 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 म ग सा ग म प म ग म प ध प म प नि सा नि प नि सा रे सा नि सा रे रे सा नि सा ग म ग सा ग म प म ग म प म ग सा ग म ग सा नि सा रे रे सा नि सा रे सा नि प नि सा नि ध प नि सा ध प म प नि प म ग म प म ग सा ग म ग सा ग रे सा ग म रे सा रे सा नि प नि सा। इसी करके तान बनेगी वो 1 2 3 2 1 2 3 ऐसी सा ग म ग सा 5 सुरों वाली सा ग म ग सा ग म प म ग म प ग प म प नि सा नि प नि सा रे सा नि सा ग म ग सा ग म प म ग सा ग म ग रे सा नि सा रे सा नि प नि सा प नि सा नि ध म प ध प म ग म प म ग सा ग म ग सा ग रे नि सा 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 ग म ग रे। ऐसा करके भी ले सकते हैं सा ग म ग रे नि सा रे सा नि या नि सा रे सा नि प नि सा नि सा द प ग म प नि सा ग सु। आपको ये हर एक तान जो आपने बनाई है उसको आपको घोटना है। 3 सुर वाली तान लें 1 2 3 सा ग म ग म प म प ध प नि सा रे सा ग म ग म प सा ग म नि सा रे प नि सा म प नि म प ध ग म प सा ग म नि सा ग प नि सा सा ग म नि सा रे प नि सा। तान बनी इसी ये 3 2 1 बनेगा तो म ग सा प म ग ध प म सा नि प रे सा नि ग रे सा म ग सा ग रे सा रे सा नि सा नि प नि नि ध प ध प म प म ग म ग सा ग रे सा रे नि सा। ये तान 3 2 1 वाली बनी। 2 वाली तो आप आराम से बनाई लेते हैं। सा ग ग म म प प नि नि सा सा ग ग म म प ग म सा ग सा रे नि सा प नि प ध म प ग म सा ग सा रे नि सा। हम 1 2 के इसको हम अलग अलग तरह से बढ़िया तान बनाते हैं। सा ग ग म म प ग म म प प नि 1 2 के 1 2 वाला पैटर्न को सा ग ग म म प ये 3 के पैटर्न को जोड़ के फिर दूसरा पैटर्न में से बन जाता है अलंकारिक पैटर्न। बहुत सुंदर रहता है वो 6 वाला। सा ग ग म म प ग म म प प ध म प प नि नि सा नि सा प नि नि सा सा रे नि सा सा ग ग म सा ग ग म म प नि सा सा ग ग म प नि नि सा सा रे म प प नि नि सा ग म म प प ध
या गामा मा पा पा नी गामा मा पा पा दा सा गा गामा मा पा नी सा सा गा गामा पा नी नी सा सा गा पा नी नी सा सा रे मा पा पा नी नी सा नी सा गा। ये तीन यानी दो दो के तीन यानी छह सुरों का पैटर्न था वो। ऐसे आप कैसे भी लंबी तानों को भी आप बना सकते हैं। आपको हमने 10-12 अलंकार अभी आपको बताए हैं, इसी आपको करीब 15 अलंकारों को प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके लिए बहुत आसानी से कोई भी तान जो है वो उनको घोटना है, आपको इस लेवल पे घोटना है कि आपको बिना उस पर विचार किए आपकी तान गले से निकल जानी चाहिए। घोटने का मतलब ये होता है कि आप उसको कंठस्थ कर लें एकदम उस राग में कि वो उसमें से बीच में रे और ध अपने आप स्किप हो जाए, आरोह में और अवरोह में वो फिट हो जाए, ये ध्यान रहे। ऐसे करके ही आप फिर अपनी तान को बना सकते हैं। और जब आपको बंदिश में गाना है तब तो उसमें कोई स्कोप रहेगा नहीं चेंज वेंज या उसमें गलती होने का, आपको एकदम करेक्ट लाना पड़ेगा, है ना। इसलिए अभी हम आपको अभी ऑफलाइन बिना तबले के बता रहे हैं, अभी हम तबले में शुरू करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया आप सरल तान लेते हैं, तो जैसे सारे सा सा ग म ग सा या सा ग म ग रे सा सा ग म प म ग रे सा सा ग म प द प म ग रे सा सा ग म प नी नी द म म ग रे सा सा ग म प नी द ग नी द म म ग रे सा सा ग म प नी द द ग नी द म म ग रे सा sa ga ma pa ni ga ga re ga ni ra ma ma ga re sa sa ga ma pa ni ga ga ma ga re ga ni ra ma ma ga re sa aao aalap mein jab aksar ni sa ga ba auron mein aksar ni ko vrj karte hain aisa aalap mein patan mein sa ni ra ma ga re sa aisa karke hum seedhe aa sakte hain patan mein, isliye humko is pe koi chinta nahi karne ki aavashyakta। सा ग म प नि द ग म ग रे ग नि र म म ग रे नि सा। हमने ये सा से ली, ग से लें तो ग रे सा ग म ग रे सा ग म प म ग रे सा ग म प र प म ग रे सा ग म प नि ग नि र म म ग रे सा ग म प नि ग रे ग नि र म म ग रे सा ग म प नि सा ग म ग रे ग नि रे। आप हर एक सुर से कोशिश करें मध्यम या पंचम तक जाएं और आपको ये तान आपकी बन जाए। आपकी आकार जो है एकदम आ खुला हुआ निकले तभी तो आपकी तान खुल के बाहर आएगी, है ना। ऐसे हम ऊपर से पलटे जो लेते हैं वो, जैसे अभी आपने हम सरल ताने आपको हर सुर से बताई, ऐसे आप म से भी ले सकते हैं। म ग रे सा म प म ग रे सा म प द प म ग रे सा म ब नी द ग नी द म म ग रे सा। एकदम सा ऊपर का डबल क्यों दिया, क्योंकि हमको थोड़ा इवन करना था, इसलिए कि वो तान लेने में ऑड नहीं लगे। सो म प नि सा सा नि र म म ग रे सा म प नि ग रे ग नि र म म ग रे सा म प नि ग ग म ग रे सा नि र म म ग रे सा म प नि ग ग म प म ग रे सा नि र म म ग रे सा। ऐसे म प ध या ध नी प नी जो रे और ध वर्ज है तो रे और ध से तो शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि आरोह में आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे आ ग म प नी सा में से किसी से भी शुरू से शुरू हो सकते हैं। नी जैसे नी र म म ग रे सा नी ग नी र म म ग रे सा नी ग रे ग नी र म म ग रे सा
ये तान बहुत बढ़िया से बन जाती है। अभी हमने आपको अपने ये बताया कि सरल तान कैसी बनी। अभी हम पलटे लेके दिखाएं, सा नी सा सा से नीचे आएंगे, सा नी सा सा नी द ब प नी सा सा नी द ब म प नी सा सा नी द ब म ग म प नी सा सा नी द ब म ग रे सा नी द ग म प नी सा सा नी द ब म ग रे सा नी द ग म प नी सा सा नी द ब म ग रे सा नी सा द ब के बहुत अच्छा है। नीचे आप जा सकते हैं, जरूर जाइए। सनी द ब म ग रे सा नी द ब म ग म प नी सा ग म प नी सा ब म ग रे सा नी प नी नी द प प नी 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 द ब म प नी 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 द ब म ग म प नी नी द ब म ग म प नी नी द ब म ग रे सा ग म प नी नी द ब म ग रे सा नी द ग म प नी नी द ब म ग रे सा नी द ब म ग म प नी द ग म प नी द। ये नीचे उड़ने वाली पलटा है, नीचे आ रहे हैं ऐसे ग रे, रे सा रे भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अवरों में आ रहे हैं। रे सा रे रे सा नी सा रे रे सा नी रे सा नी द ब म प नी सा रे रे सा नी द ब म ग म प नी सा रे रे सा नी द ब म ग रे सा ग म प नी सा रे रे सा नी द ब म ग रे सा नी प नी सा ग म प नी सा रे रे सा नी द ब म ग रे सा नी द ब म प नी सा ग म प नी सा रे अगर की यह वक्त आने पलटे जो हैं हर एक सुर से आप लें तो आपकी बहुत बढ़िया से ये दूसरी ताने जो हैं तैयार हो जाती हैं। और फिर आपको लेने में बाकी के दूसरे ताने जो हम आपको बता रहे हैं आप कैसे बनाते हैं वो हम अभी कोशिश करते हैं बनाने की। चूँकि ये साइक्लिक सपाट ताने जो हैं, आरोह के ताने या अवरोह के ताने, नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना, इन दोनों का उपयोग हम साइक्लिक तान बनाने में करते हैं या बढ़त बनाने में करते हैं। जैसे सा ग म ग म प म ग, अब 1 2 3 2 का पैटर्न लेके हम सा ग म ग वाली पैटर्न में अलंकारिक पैटर्न और साथ में सरल तान का पैटर्न वो बना सकते हैं। तो कैसे सा ग म ग म प म ग म प ध प म ग म प नी नी द ब म ग म प नी द सा नी द ब म ग म प नी द रे रे सा नी द ब म ग म प नी द ग रे सा नी द ब म ग म प नी द ग म ग रे सा नी द ब म ग म प नी द ग म प म ग रे सा नी द ब म ग रे नी सा। ये सा ग म ग म प म ग ये वाला पैटर्न बन गया। ऐसे करके ऊपर जाते हैं, ऐसे ग से लेंगे तो ग म प म प ध प म प नी नी द प म प नी द सा नी द ब म प नी सा रे रे सा नी द ब म प से शुरू करके म पे एंड करेंगे। प नी सा ग म म ग रे सा नी द ब म प नी सा ग म प म ग रे सा नी द ब म ग रे सा। अगर की है व्रत की तान जो है वो हरे सुर से 1 2 3 2 के पैटर्न वाली बढ़िया बन जाती है। उसी राग पटदीप में हम ये 1 2 3 2 वाला पैटर्न को अलंकारिक पैटर्न ले रहे हैं, साथ में हम सपाट तान का उपयोग कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें एक फार्मूला लगा के, तो ये व्रत की तान बन जाती है। तो यही हम सपाट तान और अलंकारिक तान के साथ साथ मिल के हम कैसे ये दूसरी व्रत की तान बन जाती है। अभी हमने 1 2 3 2 लिया पैटर्न, अभी हम 1 2 3 4 5 4 वाला पैटर्न लेंगे तो दूसरी एक बढ़त की तान बनती है बहुत सुंदर। नी सा ग म प म 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 4 नी सा ग म प म
तो मी से शुरू करके मी सा गा मा प म 1 2 3 4 5 4 है ना, सब म पे एंड हुआ तो नी सा गा मा प ध प म नीचे से शुरू करेंगे म प से के नीचे से ने गा मा प ध प म एंडिंग म पे होगा तो गा मा प ध प म गा मा प नी नी रा ब म गा मा प नी सा सा नी रा ब म गा मा प नी सा रे रे सा नी रा ब म गा मा प नी सा गा गा रे सा नी रा ब म गा मा प नी सा गा मा प म गा रे सा नी रा ब म गा रे सा नी। अगर ये बढ़िया से तान भरत की तान इसमें भी बन जाती है, हर एक सुर से बन जाएगी। पहनी सा ग म ग 1 2 प एन वन है तो पहनी सा ग म ग सा ग पहनी सा ग म ग सा ग म प म ग सा ग म प ध प म ग सा ग म प नी नी ध प म ग सा ग म प नी सा ग नी ध प म ग सा ग म प नी सा रे रे सा नी ध प म ग sa ga ma ba ni ga ga re sa ni ga ba ba ga sa ga ma ba ni ga ga ma ba ma ga re sa ni ga ba ba ga re ni so। ऐसे करके बढ़िया से तान बन गई। अभी हमने आपको ऐसे करके बहुत सारी ऐसी एक आपको एक साइक्लिक तान कैसे बनाते हैं, तो एक बढ़िया सा ऐसा लूप बनता है ऊपर ऊपर जाके फिर नीचे आता है। सपाट तान ही सपाट तान का उपयोग है इसमें। नी सा ग म प म म पे एंड हुआ तो ग म प नी सा नी फिर प नी सा ग म ग फिर सा ग म प ध प म ग रे सा नी र ब म ग रे सा नी सा ग म प म ग म प नी सा नी प नी सा ग म ग सा ग म प ध प म ग रे सा नी र ब म ग रे सा। ऐसे करके ये तान बढ़िया से बनती है, इसमें तीनों सप्तक बड़े आसानी से कवर होते हैं आपके और बढ़िया से एकदम तान इफेक्टिव तैयार हो जाती है। उसको भी आप अलग 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 सुरों से ले सकते हैं। नी सा ग म ग सा ग म प ध प म प नी सा रे सा नी सा ग म प म ग रे सा नी र ब म ग रे सा सा ग म प ध प म प नी सा रे सा नी सा ग म प म ग रे सा नी र ब म ग रे सा। इसमें तो ऊपर के साथ तक जाने का स्रोत है, इसे अगले कोशिश करते हैं। सा ग म प ध प म प नी सा रे सा नी सा ग म प म ग म प नी सा नी र ब म ग रे सा नी र ब म ग रे सा। ऊपर का सा भी हम टच कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने को तैयार करिए और ऊपर के चारों सा को कोशिश करें लगाने की हर्ज में भी। सा सा ग म प नी सा ग रे सा नी र ब म ग रे सा नी र ब म ग रे नी सा ग म प नी ग म ग रे नी सा। चारों सा आपके यदि लग जाए तो बहुत बढ़िया, आपके गले में एकदम हमेशा तैयारी रहेगी। और अलंकारिक पैटर्न्स सपाट ताने और पलटे मिला के आपके पास ये और अद्भुत अलग अलग तरह की ताने बनती हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं और इससे आप अपनी ताने कभी भी आपके पास तानों का स्टॉक कम नहीं पड़ता है और आप अपनी ताने इस किसी भी बंदिश में आराम से बजा सकते हैं। मैं आपको हम एक बंदिश के साथ इसको लेके दिखाते हैं। एक ताल रूप में हमने आपको इसको कोशिश की है। Yeah।
रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अलंकारी पटन देते हैं थोड़े थोड़े। Thank you.
वही हमने सपाट तान के जाए इसकी सर्कुलर तान में नहीं चक्कर दाता कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपके पास एक बढ़िया से एक तान क्रिएट करने की एक शक्ति समझ लीजिए आ जाती है कि आप कुछ भी तान फिर इंस्टेंटली उस वक्त में क्या सूझने के बाद आप कैसी तान कैसे बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी बटन ले सकते हैं ऊपर से नीचे आने का या नीचे से ऊपर आने का, यही सब उसी बेसिस के ऊपर कर सकते हैं जब आपने बेसिक ताने घोट रखी होंगी, तभी फिर आप ये सब तानों को इंस्टेंटली अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हमने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हम कैसे ताने अपने मन से फिर आगे बना के फिर अपने ताल में तान के साथ बंदिश में ले सकते हैं और उसको हम फिट करके फिर मुखड़े पे आ सकते हैं। तो देन ऑल इट बिकम्स वेरी एक्सटेम्पोर, उसमें कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने दिमाग से इंस्टेंटली क्रिएटेड है। ये स्थिति अपने पास आनी चाहिए जब आप गाते बजाते हैं, तो आपको किताब या आप रटने की कोई झंझट नहीं है।
ताने शुरू में घोटना है तो आपको शुरू में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा उनको। एक बार आपने घोट लिया फिर आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इस तरह से बैठ जाना चाहिए कि वो फिर उसके ऊपर आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर वो इंस्टेंटली आपकी क्रिएट होती जानी चाहिए। आपने जैसा सोचा भर और आपकी तान गले से निकल गई। इस टाइप की तैयारी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है हर एक राग में। आज हमने आपको राग पटदीप में बताई है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे हर एक राग में हम इसको बताने की कोशिश करें। ऑलरेडी हमने 5-6 रागों में इसको बताया है, आप राग पटदीप में इसको अच्छे से गाने की कोशिश करें, फिर आपको गाने में सुविधा होगी, बजाने में भी सुविधा होगी। यहीं संपन्न समाप्त करते हैं, नमस्कार।